हेलो फ्रेंड, आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे चेन रूल, जिसको दूसरा नाम से भी पुकारा जाता है, फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल इसको कहते हैं। ठीक है, तो इस नाम से होता है किस लिए? फॉर आ मल्टी वेरिएट फंक्शन, जहां हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा इन्वॉल्व होगा। और ये कौन सा कोर्स पढ़ता है? BECC 104। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हमारा काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल में विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की वीडियो प्रत्येक दिन आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरुआत हमारा हमेशा होगा एकदम बेसिक से। जो चेन रूल आपने सिंगल फंक्शन में देखा था, चेन रूल जिसको फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल भी कहते हैं, ठीक है, तो चेन रूल हम लोगों ने सीखा था उस समय। चेन रूल क्या था? जेड इज द फंक्शन ऑफ वाई एंड वाई अगेन फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, वाई इज अगेन फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका बनाना हमको फाइंड आउट करना था डायरेक्टिविटी, सिंपल डायरेक्टिविटी, जो एक वेरिएबल दोनों में इन्वॉल्व है, डीजेड बाय डी एक्स निकालना था। तो सिंपली हम लोग करते थे, जेड जिसके फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में हम डायरेक्टिविटी निकालते थे, सिंपल डायरेक्टिविटी, डी जेड बाय डी वाई, और उसको मल्टीप्लाई कर देते थे जिसके रिस्पेक्ट में अगला फंक्शन है, एक्स के फंक्शन है तो एक्स के रिस्पेक्ट में हम वाई का डायरेक्टिविटी देंगे, डी वाई बाय डी एक्स। यही था जी? ठीक है। अब यहाँ चैन रूल के मतलब है कि पहले हम डायरेक्ट जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में ले लेंगे, पहले जेड को वाई के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स के। जो चैन रूल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन मैंने 4 वीडियो फाउंडेशन कोर्स में बनाया था, वहां जाके आप विजिट कर लीजिएगा। लेकिन आज का हमारा क्लास होगा चेन रूल या फंक्शन ऑफ अ फंक्शन रूल फॉर मल्टी वेरिएट। तो मैंने इसके पहले आपको टोटल डिफरेंशियल भी पढ़ाया हूँ, टोटल डेरिवेटिव पढ़ाया हूँ। आज का क्लास मैं स्टार्ट करता हूँ, और उसके सबसे पहले आप हम यहाँ पर एक चीज देखने की चीज है। जैसे सपोज करो y इज द फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल x y z एंड ऑल 3 वेरिएबल x इज द फंक्शन ऑफ t, अगेन y इज द फंक्शन ऑफ t एंड जेड इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ वाई टी, जेड इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टी। अब यहां पर देख रहे हो 3 वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व है, एक्स वाई एंड जेड रेस्पेक्टिवली, और सभी टी का फंक्शन है। तो यहां पर हमने क्या बताया था बंदा, आपको कौन सा रूल अप्लाई करना है जी? अरे टोटल डायरेक्टिविटी, नो, टोटल डेरिविटी। तो टोटल डेरिविटी करना है, जैसे तो यहां भी हमको टोटल डेरिविटी हम लोग सीखे थे किसके रिस्पेक्ट में, मान लो डी यू बाय डी टी हमको निकालना है, इसको हम आसानी से टोटल डेरिविटी से हम निकाल लेंगे। यहाँ पर टोटल डेरिविटी नंबर वन पॉइंट यहाँ समझना पड़ेगा कि जो तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो यू का है वो एक ही मतलब वेरिएबल का वो फंक्शन है, ओनली टी का, दूसरा नहीं। इसीलिए हम यहाँ पर टोटल डायरेक्टिविटी यूज कर रहे हैं। तो टोटल डायरेक्टिविटी निकाल रहे हैं, टोटल डायरेक्टिविटी ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू टी। तो पहले क्या करना रहता था, पार्शियल डायरेक्टिविटी, पहले तो ये इनडायरेक्ट है, फिर डायरेक्ट इफेक्ट डाल रहा है, जैसा कि चैनल मैप ने बताया था। क्लास लंबी हो जाएगी, पिछली वीडियो देखिएगा। तो डेल यू बाय डेल एक्स, और उसके बाद सिंपल डेरिवेटिव डेल एक्स बाय डेल टी, ऐसे ही करते थे। डेल यू बाय डेल वाई, पहले पार्शियल डेरिवेटिव, जिसको इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट चेंज को मापते हैं पार्शियल डेरिवेटिव से, और सिंपल डेरिवेटिव से इनडायरेक्ट इफेक्ट को, जो प्रीवियस क्लास में आप देख लीजिएगा, डी वाई बाय डी टी प्लस डेल यू बाय डेल जेड इंटू डी जेड बाय डी टी। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था कि नहीं जी? लेकिन अब देखना डिफरेंसेस होने जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं,
यहां पर एग्जांपल नंबर टू में W जो है वो थ्री वेरिएबल का फंक्शन है एक्स वाई जेड, पहली बात इसमें तो कौन सा नया बात है, उसमें भी तो यू थ्री वेरिएबल का फंक्शन था, नया बात है ठीक है। अब एक्स इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल लाइक के आर एस ठीक है, एंड वाई इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल आर एस एंड जेड इज फंक्शन ऑफ ऑल्सो टू वेरिएबल आर एस ठीक है। अब यहां पर आपको दो तरीका यूज करना है, देखो दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंसेस क्या है वो देख लो पाए नहीं, और दो मेथड से बनेगा, एक टोटल डिफरेंशियल मेथड से और दूसरा जो होगा जो ये हम सिखाने जा रहे हैं आपको चेन रूल फॉर पार्शियल डेरिवेटिव। तो यहां देखो ये दोनों में डिफरेंसेस तुमको अब नजर तो आ रहा होगा कुछ, क्योंकि जितना भी जो सोर्स ऑफ अल्टीमेट चेंज जैसे वेरिएबल ओनली सिंगल है टी, इसलिए यहां मैंने टोटल डेरिवेटिव लगाया, लेकिन यहां पर देखो एक्स का जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएबल दो है, एक्स भी दो का फंक्शन है, वाई का भी दो का फंक्शन आर एस का है और जेड भी है, तो यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा बोलो, पार्शियल डेरिवेटिव। आप इसको दोनों तरीका से बना सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव से बना सकते हैं और टोटल डेरिवेटिव से भी बना सकते हैं और टोटल डिफरेंशियल से भी बना सकते हैं। अब यहां पर पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे डेल एक्स सॉरी डेल डब्ल्यू, हम किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं आर के रिस्पेक्ट में ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू आर के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो एक चीज पर हमेशा ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंजेस नहीं होगा, सब में डेल लगेगा यानी पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, तो हम किसके यहां पर हम ले रहे हैं पार्शियल के, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ मल्टी मल्टी वेरिएट या मल्टीपल फंक्शन का है, एक से ज्यादा वेरिएबल है। अब यहां पर आपको नया चीज होगा कि पहले ये देखना है कि W आपका x का फंक्शन है, फिर x अगेन दो चीज का फंक्शन है r s, तो जब भी पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं जो फाइनल जो x है y है z जिसका फाइनल है r और x का फंक्शन है, अगर हम r पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ W विद रिस्पेक्ट टू r लेंगे तो एट द सेम टाइम अनदर वेरिएबल s इज हेल्ड कांस्टेंट। वेरी गुड, तो इसको आपको निकालना है और इसमें क्या करते थे, इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस है, इसमें हम ये करते थे एक बार पार्शियल डेरिवेटिव लेते थे और दूसरा बार मल्टीप्लाई करते थे सिंपल डेरिवेटिव से, यहां पर आप ये भी कर सकते हैं और एक नया चीज भी कर सकते हैं, सब में पार्शियल डेरिवेटिव ले सकते हैं, कुछ इस तरह होगा जैसा कि डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स, पहले x के रिस्पेक्ट में ये फंक्शन है फिर x किसका फंक्शन है r, तो डेल x बाय डेल r प्लस बाकी वही एज इट इज रहेगा, डेल w डेल y डेल r प्लस डेल w डेल z बाय डेल r, तो ये आप लोगों ने निकाला ये है, और ये सेम रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन थ्रू टोटल डेरिवेटिव, जहां पर ये जो ये रिजल्ट हम लोगों ने निकाले जहां पर पार्शियल डेरिवेटिव और सिंपल डेरिवेटिव भी लगा सकते हैं, इसको दो मेथड से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर, जब वो सिंगल वेरिएबल रहेगा टोटल डेरिवेटिव, जब वो मोर देन हम कम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, जब एक तो हमारा फंक्शन होता है दो, मतलब हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा दो फंक्शन का होगा, दूसरी बात कि एक में हम रेट का मतलब मेजर करते हैं वन फंक्शन को वेरिएबल करके, दूसरा फंक्शन को एट द सेम टाइम हेल्ड कांस्टेंट रख के हम रेट ऑफ चेंज मापते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल का, एक ये भी ऐसे भी बना सकते हैं, और इसी चीज को अगर चाहें तो टोटल डेरिवेटिव से भी बना सकते हैं, जो मैंने डिस्कस कर लिया, क्या कोई नीड है टोटल डेरिवेटिव से बनाने के लिए इसको? अब इसी चीज को एस के रिस्पेक्ट में हम बना देते हैं, ऊपर एस के रिस्पेक्ट में निकालेंगे टोटल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एस, तो क्या होगा जहां जहां आर है सब जगह एस हो जाएगा,
तो क्या होगा डेल डब्ल्यू डेल एक्स डेल एस प्लस डेल डब्ल्यू डेल वाई डेल एस प्लस डेल डब्ल्यू डेल जेड इंटू डेल जेड बाय डेल एस। देखो इसको कहेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू आर, सेकेंड वाला को कहेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एस, क्योंकि ये जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ चेंजेस है वो दो चीज का फंक्शन है। अब इसी चीज को टोटल डेरिवेटिव से भी निकाल सकते हो, तो बस यही वाला फॉर्मूला रहता है, मैं निकाल देता हूं ऊपर में, ये ऊपर वाला को मिटा सकते हैं। ये समझ में आया कि नहीं बच्चों? ठीक है, अब इसी चीज को देखो, ये याद रखना रोल नंबर वन, पार्शियल डेरिवेटिव से भी मल्टीपल फंक्शन को निकाल सकते हैं। दूसरी बात, टोटल डेरिवेटिव से सेम रिजल्ट को हम ऑब्टेन करने जा रहे हैं। टोटल डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पर, सिंपल डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई होगा पार्शियल डेरिवेटिव की जगह हमारा ये है W इक्वल टू, इसको लिखने की क्या जरूरत है, हम यही से ले रहे हैं, यही क्वेश्चन को बना रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ W विद रिस्पेक्ट टू R निकालना, इक्वल टू डेल W बाय डेल X dx बाय dr। ठीक है, देखना तुम भी, हम जल्दी से बना रहे हैं इसको, डेल W बाय डेल Y dy बाय dr प्लस किसी चीज को कर रहे हैं, जैसा कि कल का क्लास में हम लोगों ने देखा, सेम रिजल्ट एक पता बना देते हैं, डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड डी जेड बाय डी आर। अब और दूसरा भी हम निकालेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू आर, दिस इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ मल्टीपल वेरिएबल। ठीक है, मल्टीपल फंक्शन एस के रिस्पेक्ट में लेंगे तो क्या होगा, याद है कुछ? वेरी गुड, और डेल एक्स डी एक्स बाय डी एक्स बाय डी एस। ठीक है, समझ में आ गया जी आप लोग बी क्लास के बच्चे? चलो अगर नहीं किसी को समझ में आ रहा है, मेरा पिछला वीडियो देख लेना, टोटल डेरिवेटिव पर है ये वीडियो, स्पेशली है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ मल्टीपल फंक्शन। तो डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड इंटू डेल जेड बाय डी जेड बाय डी एस। ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख दिया दोनों पर, दोनों में यही डिफरेंसेस दिखाने के लिए मैंने लिखा, पार्शियल डेरिवेटिव करके लोगे तो ये होगा। लेकिन जब हम टोटल डेरिवेटिव निकाल रहे थे, साइन में थोड़ा सा पलटी हो गया, डी से इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, डी आर ये टोटल डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू आर, टोटल डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एस, और वही रिजल्ट को हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू आर एस, माने दोनों एक जैसा हम बना सकते हैं, यहाँ पर हमको फ्रीडम है। ठीक है, इज इट न्यू थिंग फॉर यू? चलिए अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव फॉर मल्टीवेरिएट फंक्शन। तो और भी हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल नंबर थर्ड जो हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर थर्ड यहां पर है, u इज द फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल x y z। अब यहां पर ध्यान देने की बात है, जो y है वो फंक्शन है x का, एंड z भी फंक्शन है x का। अब इसका आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है u का विद रिस्पेक्ट टू x, बन जाएगा। अरे बोलो यार कुछ। देखो यहाँ अभी देखो, यहाँ समझने की कोशिश करना, पहले यहाँ जाकर देखो कि u डायरेक्टली फंक्शन है x का, देखो u किसका किसका फंक्शन डायरेक्ट में x y z, लेकिन y और z अगेन फंक्शन है x का। तो पहले तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है,
तो डेल से साइन करेंगे, अगर टोटल डेरिवेटिव लेंगे तो डी यू बाय डी एक्स करेंगे, तो यहां पर डेल यू बाय डेल एक्स इंटू, यहां कुछ नहीं होगा क्योंकि एक्स का के रिस्पेक्ट में यू एक डायरेक्टली भी फंक्शन है, फिर इनडायरेक्टली है। उसके बाद डेल यू बाय डेल वाई, ये इसमें किसने नहीं हुआ कि एक्स जो लास्ट में सोर्स ऑफ अल्टीमेट चेंज किया है एक्स है, तो ये डायरेक्ट माने इफेक्ट है डेल यू बाय डेल एक्स निकालेंगे। उसके बाद वाई में चलते हैं, तो पहले वाई किसका, यू वाई का फंक्शन है, वाई फिर एक्स का, यानी डेल यू बाय डेल वाई एंड डेल वाई बाय डेल एक्स, ऐसा यहां पर पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। फिर प्लस डेल यू बाय डेल जेड एंड डेल जेड बाय डेल एक्स। तो देखो यहां पर आपको उसी वेरिएबल मतलब जिस अल्टीमेट सोर्स ऑफ चेंज क्या है एक्स है, एक्स है ये यू को डायरेक्टली भी एक्स करता है, फिर वाई और जेड को माने जेड जो यू यू को जो हमारा एक्स है वो चेंज माने मतलब चेंज डलवाता है ट्रांसमिटेड थ्रू वाई जेड, जैसा कि पिछला वीडियो में बताया था। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 4 हम लोग लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4, अब 4 में हम लेते हैं क्वेश्चन से, सारा ये बुक्स का ही कंटेंट में दे रहा हूं। ठीक है, अब यहां है यू इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, अब यहां एक्स है फंक्शन ऑफ टी, पहला बात, वाई है फंक्शन ऑफ एक्स, देखो यहां कितना इंटरेस्टिंग फेयर होने वाला है, एंड जेड इज द फंक्शन ऑफ जेड वाई, वाई का फंक्शन है। अब यहां हमारा यू जो डिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स वाई जेड का फंक्शन है, पहला बात। फिर यहां देखना है कि एक्स किसका फंक्शन है, टी का, ठीक है, वाई फंक्शन है फिर एक्स का, और जेड फिर फंक्शन है वाई का। तो यहां पर आपका जो अगर हम इसको बोलेंगे पार्शियल डेरिविटी ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू टी निकालना है, तो जो जिसके रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं वो क्या होता है, अल्टीमेट सोर्सेस ऑफ चेंज, गॉट इट। तो इसी के रिस्पेक्ट में अब यहां पर देखना है कि पहले तो यू का फंक्शन है एक्स का, फिर एक्स है टी, तो यहां पर हम ले सकते हैं डेल यू बाय डेल एक्स, ठीक है, डायरेक्ट। अब फिर एक्स किसका फंक्शन है, टी का, तो डेल एक्स बाय डेल टी, ऐसा इसलिए किए कि हमारा मान पहले हमारा देखो यू किसका फंक्शन है एक्स, उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल दो, फिर देखो यहां ढूंढो एक्स किसका फंक्शन है, टी का, उसका निकाल दो, प्लस वाई में चल रहे हैं, तो वाई पहले किसका, देखो यू किसका फंक्शन है वाई का भी है, पहला काम खत्म हो गया, वाई का है ये, तो डेल यू बाय डेल वाई। अब इसके बाद नेक्स्ट टास्क है, देखो वाई में जाओ, वाई किसका फिर फंक्शन है एक्स का, तो फिर लिखो डेल वाई बाय डेल एक्स। अब फिर देखो एक्स किसका, टी का हमको निकालना है, फिर अगेन एक्स टी का फंक्शन है, तो डेल एक्स बाय डेल टी, हाँ ढूंढते जाओ। अब देखो और भी इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जेड देखो यू किसका फंक्शन है, दो हो गया जेड का फंक्शन है, तो डेल यू बाय डेल जेड, ये पहला काम हो गया। अब ढूंढो जेड किसका फंक्शन है, हाँ जेड देखें वाई का है, तो डेल जेड बाय उसी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। अब फिर देखो वाई किसका फंक्शन है एक्स का, तो उसके रिस्पेक्ट में लेंगे डेल वाई बाय डेल एक्स, और फाइनल फिर देखते हैं एक्स किसका फंक्शन है, टी, तो डेल एक्स बाय डेल टी, टी कैसा रहा, ये समझ आ गया आपको, ये देखना है यहां उठाएंगे एक्स, फिर यहां ढूंढेंगे, फिर वाई उठाएंगे, तो वाई यहाँ है, फिर जेड उठाएंगे तो वो जेड वाई का, फिर वाई एक्स का, फिर एक्स टी का, फाइनल हमको सब में टी टी आना चाहिए, देखो यहाँ टी आया, यहाँ टी आया, क्योंकि टी इज द अल्टीमेट सोर्सेस ऑफ चेंज, गॉट इट। एक जगह आवाज नहीं आ रहा है जिसके लिए इतना कार्यक्रम चल रहा है।
लगता डिप्टी जी खाने गई होगी। ठीक है, तो वीडियो में ये आपको और अगर सलूशन चाहिए तो हमारा ऑनलाइन रिकॉर्डेड एंड लेक्चर आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर 7050523391, इंक्लूडिंग आपको नोट्स भी मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेगा। अगर लाइव क्लास आप लेना चाहते हैं तो 6:00 PM में प्रत्येक दिन चलता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे की क्लास की ओर बढ़ते हैं।